सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस हमारे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले टर्मिनेटर पार्ट वन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि ये सन 2019 है, यानी कि भविष्य है। लॉस एंजलिस अब पूरी तरीके से वीरान हो चुका है और यहाँ पर मशीनों और इंसानों के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कई दशकों से चल रहा है। लेकिन जो अंतिम युद्ध होगा वो फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में होगा और वो युद्ध ये फैसला करेगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब ये दिखाया जाता है कि सन 2029 से एक आदमी प्रेजेंट में आता है, यानी कि फ्यूचर से प्रेजेंट में, और ये होता है आर्नल। इसके शरीर पे कोई सा भी कपड़ा नहीं होता, ये पूरी तरीके से न्यूड होता है और ये इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है, एक रोबोट है और ये बहुत ही एडवांस है, लेकिन ये पूरी तरीके से इंसानों की तरह दिखता है। अब वो आगे जाता है, वहाँ पर तीन लड़के टेलीस्कोप से तारे देख रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। वो देने से मना कर देते हैं। इस वजह से आर्नल उनमें से दो आदमी को मार देता है और तीसरा आदमी डर के मारे उसको अपने कपड़े देकर वहाँ से भाग जाता है। अब आर्नल के पास कपड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सन 2019 से एक और आदमी आता है और ये सचमुच का इंसान होता है जो कि एक सिपाही है। उसका नाम होता है कैल। और जब कैल फ्यूचर से इस वक्त में आता है तो वो भी पूरी तरीके से न्यूड होता है। उसके सामने एक शराबी बैठा होता है, वो उसकी पैंट छीन लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब कैल पुलिस से भागता है और भागते भागते उसके पास एक मौका ऐसा आता है जब उसके सामने पुलिस होती है और वो उनकी गन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो एक टेलीफोन बूथ में जाता है जहाँ पर एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है। वो उस टेलीफोन डायरेक्टरी को उठाता है और उसमें कुछ नाम सर्च करना शुरू कर देता है और जब कॉर्नर सैरा का नाम आता है तो वो वहाँ पर रुक जाता है। इस नाम की वहाँ पर तीन लड़कियाँ होती है। इसके बाद वो उस पेज को फाड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आर्नल जो कि एक मशीन है, एक रोबोट है, वो एक वेपन्स की शॉप में जाता है, वहाँ से गन लेता है और शॉप के मालिक को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो भी एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और वहाँ पर वो भी फोन डायरेक्टरी में कॉर्नर सैरा का नाम ढूंढना शुरू कर देता है और उसे भी वहाँ पर तीन सैरा कॉर्नर दिखती है। वो उस पेज को फाड़ कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो पहले पते पर जाता है जहाँ पर सैरा कॉर्नर रहती है। वो दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक लेडीज आती है और वो उससे पूछता है सैरा कॉर्नर। वो कहती है हाँ और वो उसको वहाँ पर गोली मारकर निकल जाता है। इसके बाद वो दूसरे सैरा कॉर्नर के घर पे जाता है, यानी कि दूसरे पते पर, और वो उसे भी मारकर वहाँ से निकल जाता है। और अब उसके टारगेट में सिर्फ एक सैरा कॉर्नर है। और वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि जो तीसरी सैरा कॉर्नर है वो अपने दोस्त के साथ रहती है और आज इन दोनों के बॉयफ्रेंड्स आने वाले थे लेकिन सारा का बॉयफ्रेंड नहीं आता। इस वजह से वो अपने दोस्त को कहती है कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ और तुम मजे करना, और वो वहाँ से निकल जाती है। और जब वो पार्किंग में अपनी टू व्हीलर लेके निकल रही होती है उसके पीछे एक गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। इसके बाद सारा एक पब में जाती है और वहाँ पर देखती है कि दो सैरा कॉर्नर को मार दिया गया है। ये देखने के बाद उसको कुछ शक होता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी उठाती है और उसमें सैरा कॉर्नर का नाम सर्च करती है और वो देखती है कि जो दो सैरा कॉर्नर मर चुके हैं उनके नाम उसके नाम के ऊपर होते हैं। इस बात से वो परेशान हो जाती है और बाहर निकल जाती है। और बाहर जब वो चल रही होती है तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसका पीछा कैल कर रहा होता है। इसके बाद वो दोबारा एक क्लब में चली जाती है और वहाँ से वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस भी सैरा कॉर्नर को ही ढूंढ रही होती है क्योंकि दो सैरा कॉर्नर की पहले से ही मौत हो चुकी है और पुलिस को भी अब शक हो जाता है कि वो अब तीसरी सैरा कॉर्नर को मारेगा। वही हमें ये दिखाया जाता है कि आर्नल अब सैरा कॉर्नर के घर पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त और दोस्त का बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर वो उन दोनों को मार देता है। अब आर्नल्ड को ये लगता है कि उसने तीनों सैरा कॉर्नर को मार दिया है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वहीं पर सैरा कॉर्नर का एक रिकॉर्डेड मैसेज आता है। वो बोलती है कि मैं सैरा बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है और जल्दी से आ जाओ, मैं क्लब में हूँ। अब आर्नल्ड को ये पता चल जाता है कि मैंने गलत लोगों को मार दिया। अब उसके पास वो एड्रेस भी है जहाँ पर सैरा है। वो उस क्लब में पहुँच जाता है जहाँ पर सैरा होती है और वो सैरा को गोली मारने वाला होता है कि तभी कैल उस पे गोली चलाता है और लगातार उस पे 5-6 गोलियां मारता रहता है जिससे आर्नल्ड गिर जाता है और सैरा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी आर्नल्ड खड़ा हो जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वहाँ पर कई लोग मर जाते हैं और एक लड़की मरने के बाद सारा के ऊपर गिर जाती है। अब सारा फंस चुकी है और उसके सामने आर्नल्ड होता है और वो सैरा को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कैल आ जाता है और वो उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाता है जिससे कि आर्नल्ड पीछे जाकर गिरता है और कैल उससे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। और इसके बाद वो सैरा को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन आर्नल्ड जो कि घातक मशीन है वो इतनी जल्दी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो गाड़ी लेकर इनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है
गाड़ी में सेहरा केल से पूछती है कि आखिर मैंने किया क्या है। केल बोलता है कि तुमने किया नहीं, तुम करोगी। इसके बाद सारा पूछती है उसी इंसान को इतनी गोलियां लगी लेकिन वो बच क्यों गया। तो केल बोलता है कि वो इंसान नहीं, वो मशीन है, टर्मिनेटर, साइबर्ग सिस्टम का मॉडल नंबर 101। ये आधा इंसान है और आधा मशीन। अंदर से ये एक बहुत ही मजबूत मशीन है और बाहर से इंसान जैसा। इससे पहले जो रोबोट थे वो रबड़ के थे, वो आसानी से पहचान ले जाते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से इंसान लगते हैं। और इन लोगों को पहचानना, इन मशीन को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। सारा उसकी बात पे विश्वास नहीं करती और वो कहती है कि आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं बनी। कैल कहता है हाँ अभी तक तो नहीं बनी लेकिन 40 साल बाद जरूर बनेगी। सारा कहती है क्या तुम फ्यूचर से आए हो। तो वो कहते हैं कि हाँ हम दोनों फ्यूचर से आए हैं। ये सुनने के बाद सारा वहाँ से जाने लगती है लेकिन कैल उसे पकड़ लेता है और सेहरा कैल के हाथ पर काटना शुरू कर देती है। और कैल बोलता है कि मुझे दर्द होता है, मैं इंसान हूँ, मैं साइबोर्ग नहीं हूँ, दोबारा ऐसा कभी मत करना। वो कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो बाहर टर्मिनेटर है, वो तुम्हें मार देगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी दया पश्चाताप नहीं होता, वो सिर्फ मारने के लिए बना है। सेहरा उससे कहती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। सेहरा कहती है कि ये मुझे ही क्यों मारना चाहता है। वो बताता है कि कुछ सालों बाद यहाँ पर एक परमाणु युद्ध होगा जिसमें सब खत्म हो जाएगा। दरअसल इंसान ने एक नए सुरक्षा नेटवर्क बनाए थे और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और धीरे धीरे उन इंटेलिजेंट कंप्यूटर को इंसान अपने लिए खतरा लगने लगे और इस वजह से उन्होंने परमाणु युद्ध किया क्योंकि सारा कंट्रोल मशीन्स के हाथ में था। सेहरा कहती है कि क्या तुमने ये सब देखा। वो कहता है नहीं, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इन मशीनों से छुपता हुआ, और इंसान हमेशा के लिए खत्म होने ही वाले थे कि तभी एक इंसान आया जिसने हमें लड़ना सिखाया और उसका नाम था कॉर्नर, जॉन कॉर्नर, तुम्हारा बेटा जो अभी तक पैदा नहीं हुआ। तब तक वहाँ पर आर्नल्ड और पुलिस भी आ जाती है जहाँ पर सारा और कैल हैं। तभी ये दोनों भागना शुरू करते हैं और आर्नल्ड उन पे गोलियां चलाता है और तभी इनकी गाड़ी और आर्नल्ड की गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है और वहाँ पर पुलिस की काफी सारी गाड़ियां आ जाती है और वो सेहरा को और कैल को अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वो आर्नल्ड की गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। आर्नल्ड जो कि एक मशीन है, एक रोबोट है, वो जख्मी है और इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद वो एक घर में जाता है जहाँ पर वो अपने डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करता है। वही दूसरी तरफ पुलिस कैल से पूछताछ करती है और वो सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि मैं 2 साल से एक आदमी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम जॉन कॉर्नर है और हम इन मशीनों से लड़ते हैं। इन मशीनों ने एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाई थी जिन मशीन के बदले इन लोगों ने अपने एक रोबोट को इस टाइम में भेजा जिससे कि वो जॉन कॉर्नर की माँ सेहरा कॉर्नर को मार दे ताकि वो भविष्य में पैदा ही ना हो। और मुझे जॉन कॉर्नर ने उसी टाइम ट्रेवलिंग मशीन के द्वारा यहाँ भेजा है। इसके बाद जॉन कॉर्नर ने उस टाइम मशीन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगे। वो कहता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता और ना ही उस समय से कोई यहाँ पर आ सकता है। कैल बोलता है कि अब मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिया है, अब मुझे सेहरा कॉर्नर से मिलना है। लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। कैल बोलता है कि वो मशीन दोबारा आएगी और सेहरा के साथ तुम सबको मार देगी। लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो सेहरा से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पर 30 पुलिस वाले हैं। और तभी वहाँ पर नीचे रिसेप्शन पे ये दिखाया जाता है कि आर्नल्ड आ चुका है और आर्नल्ड सबको एक एक करके मारते हुए ऊपर आना शुरू कर देता है जहाँ पर सेहरा है। अब कैल और सेहरा ये जान चुके हैं कि यहाँ पर वो मशीन आ चुकी है यानी कि आर्नल्ड यहाँ तक पहुँच चुका है। कैल किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है। इससे पहले कि आर्नल्ड सेहरा तक पहुँचे वो उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है और सेहरा को वहाँ से गाड़ी में लेकर निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग रात एक जंगल में बिताते हैं। वहाँ पर कैल सेहरा को सन 2029 की जहाँ से वो आया है वहाँ की बहुत सारी बातें बताता है और सुबह वो एक छोटे से होटल में एक कमरा ले लेते हैं। कमरा लेने के बाद कैल बाहर एक सामान लेने के लिए चला जाता है और सेहरा अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ उसके लिए चिंतित है, उसका पता जानना चाहती है लेकिन सेहरा बोलती है कि मुझे पता बताने के लिए मना किया है। लेकिन माँ के फोर्स करने पर वो उसे अपना नंबर बता देती है और उसे बोलती है कि बेटी तुम अपना ख्याल रखना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी माँ नहीं बल्कि आर्नल्ड बैठा होता है जो उसकी माँ की आवाज में बात कर रहा होता है। दरअसल आर्नल्ड को सेहरा की माँ का एड्रेस मिल चुका होता है और इसीलिए वो उसकी माँ के घर पहुँच जाता है और अब उसके पास उस होटल का नंबर है जहाँ पर सेहरा और कैल है। वो उस होटल में कॉल करता है और वहाँ का पता ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैल होटल में वापस आ जाता है और वो खाने पीने के सामान के साथ एक ऐसे सामान भी लाता है जिससे कि वो विस्फोटक हथियार बना सके क्योंकि उसे ये सब आता है। और अब रात होती है और सेहरा कैल से पूछती है कि तुम्हारे जमाने की औरतें कैसी होती है। कैल बोलता है कि वो बहुत बहादुर होती है। सेहरा कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आई। वो कहता है कि नहीं। वो कहता है कि मुझे एक बार जॉन कॉर्नर ने तुम्हारी फोटो दी थी और उस फोटो में तुम बहुत उदास थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि तुम क्या सोच रही हो और इसीलिए मैं समय लांघकर यहाँ पर आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
और इसके बाद वो कुछ प्यार भरे पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं और उन दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है। और तभी वहाँ पर कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेटर यानी कि आर्नल्ड आ चुका है, क्योंकि कुत्ते मशीन्स को पहचान लेते हैं। और वो दोनों खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं और आर्नल्ड जब उनके रूम में आता है, गोलियां चलाता है, वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता। अब आर्नल्ड भागता हुआ नीचे जाता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठ चुके होते हैं और आर्नल्ड को टक्कर मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद आर्नल्ड अपनी बाइक से उनका पीछा करता है और कैल ने जो विस्फोटक बनाए होते हैं वो बार बार उन बॉम्ब्स को आर्नल्ड पर फेंकता है, लेकिन आर्नल्ड बार बार बच जाता है। और इसी बीच एक गोली कैल को लग जाती है। अब आर्नल्ड अपनी बाइक से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। गाड़ी सारा चला रही होती है और वो एक साइड मारती है, जिसकी वजह से आर्नल्ड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह गिरता है और इसी की वजह से उनकी गाड़ी भी पलट जाती है। अब ये सब जख्मी हैं, घायल हैं। अब जब आर्नल्ड खड़े होने की कोशिश करता है तो पीछे से एक बहुत बड़ा ऑयल का ट्रक आता है और वो आर्नल्ड को बुरी तरह कुचल देता है। एक्सीडेंट की वजह से ट्रक ड्राइवर ब्रेक मारता है और जब वो नीचे आकर चेक करता है तो आर्नल्ड उसे मार देता है। इसके बाद वो इस ट्रक से सारा और कैल को कुचलना चाहता है, लेकिन तब तक सारा और कैल उस गाड़ी से निकल कर भाग जाते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। ट्रक लेके वो उनके पीछे आ रहा होता है और तभी कैल गिर जाता है, लेकिन सारा भागती रहती है और केल के पास जो विस्फोटक होता है वो एक विस्फोटक उस ट्रक के अंदर फिट कर देता है। अब ये जो पूरा ट्रक है वो तेल से भरा हुआ है और जब सारा आगे भाग रही होती है तो उस ट्रक में बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और आर्नल्ड के ट्रक के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सारा और केल को लगता है कि आर्नल्ड मर चुका है, लेकिन वो पूरी तरीके से जल जाता है, इसीलिए उसकी स्किन अब जल चुकी है और वो अब पूरी तरीके से रोबोट दिखता है और वो रोबोट उनको मारने के लिए उनका पीछा करता है। सारा और केल भागते हुए एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं और वो रोबोट भी उनके पीछे आ जाता है। अब कैल बहुत ज्यादा जख्मी है, वो भाग नहीं सकता और सारा जब भाग रही होती है तो कैल उससे कहता है कि तुम भागो, मैं इसे देख लूंगा, और वो एक लोहे की रोड से उस पे कई बार प्रहार करता है, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं होता और वो रोबोट एक जोरदार हाथ केल पर मारता है, वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो मशीन सारा को मारने के लिए जा रही होती है, तभी केल एक विस्फोटक पर आग लगाता है और उसकी बॉडी पर फिट कर देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस मशीन के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सारा केल को देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन जब वो खड़े होने की कोशिश करती है तो खड़ा नहीं हो पाती, क्योंकि जब वो विस्फोट हुआ तो उस मशीन का एक टुकड़ा सारा के पैर के अंदर घुस जाता है। वो उस टुकड़े को निकालती है और बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए कैल के पास जाती है और कैल मर चुका है और उस मशीन का ऊपर का आधा हिस्सा कैल के पास होता है और अभी भी वो एक्टिवेट होता है और वो मशीन एक बार फिर सारा को मारने की कोशिश करती है। सारा घिसटते हुए आगे बढ़ती है। अब क्योंकि इस मशीन का नीचे का हिस्सा नहीं है तो ये भी घिसटते हुए आगे बढ़ता है और सारा रेंगते रेंगते एक मशीन के दूसरी तरफ चली जाती है और ये टर्मिनेटर मशीन उस मशीन के अंदर है और ये मशीन लोहो के बड़े बड़े टुकड़ों को कंप्रेस दबाने के काम आती है। और अब इस टर्मिनेटर का एक हाथ सारा के गर्दन पे होता है, लेकिन तभी सारा के पास एक बटन होता है जो इस मशीन को चलाने का होता है और सारा बड़ी ही मुश्किल से उस बटन को दबा देती है और जैसे ही बटन दबता है मशीन धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है और टर्मिनेटर को पूरी तरीके से कुचल देती है और इस तरह इस मशीन का इस टर्मिनेटर का एंड हो जाता है। उस समय बीतते और सारा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो अब प्रेग्नेंट है, उसके पेट में कैल का बच्चा है और वो अपने बेटे के लिए कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि तुम जानते थे कि कैल ही तुम्हारे पिता हैं, इसीलिए तुमने उसको 2029 से यहाँ पर भेजा। इसके बाद सारा पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है। वहाँ पर एक बच्चा आता है और सारा की फोटो खींच लेता है और बोलता है कि आप बहुत सुंदर हो और वो फोटो सारा को दे देता है और ये वही फोटो होती है जिसे देखकर कैल को 2029 में प्यार होता है। और इसके बाद सारा अपनी जीप में बैठकर वहाँ से आगे निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई मूवी की एक्सप्लेनेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।